नमस्कार, मैं हूं अनुज मिश्रा और आप देख रहे हैं SPN न्यूज। इस बार का छत्तीसगढ़ में चुनाव बड़ा दिलचस्प हो गया है। मैं आपको बता दूं, जहां बीजेपी, कांग्रेस और अजीत जोगी की पार्टी, जहां तीनों एक दूसरे को टक्कर देने में लगी हैं, तो यहां ऐसा लग रहा है कि कहीं कर्नाटक जैसा तो हाल नहीं होगा, क्योंकि कर्नाटक में जिस तरीके से तिगड़ी बनी हुई थी, अब छत्तीसगढ़ में इस बार भी कहीं ना कहीं दिलचस्प होता जा रहा है। अब बीजेपी, कांग्रेस के अलावा यहाँ तीसरी गठबंधन भी मौजूद है। यही वजह है कि त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में यहाँ भी कर्नाटक की तर्ज पर नए समीकर उभरते हुए दिख रहे हैं। कर्नाटक का जो हाल हुआ था, ये आप सबको मालूम होगा कि कर्नाटक में किस तरीके से JDS और कांग्रेस और बीजेपी में जमकर के भिड़ंत हुई थी। प्राखरी अंत में जब त्रिशंकु विधानसभा बन गई, तो बीजेपी, कांग्रेस और JDS ने कहीं ना कहीं गठबंधन कर लिया। और इसके पहले जो ड्रामा हुआ था कि येदुरप्पा ने घोषणा कर दी कि हमारी विधायक ज़्यादा हैं और जल्दी से ही उन्होंने जल्दबाजी में शपथ ले ली, और शपथ के बाद फिर से उन्हें सपा कहीं ना कहीं इस्तीफा देना पड़ा, और बाद में सरकार गठबंधन को लेकर के ही बनी थी। और यही हाल कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के अंदर देखने को मिल रहा है। अब त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में यहाँ भी कर्नाटक की तर्ज पर नए समीकरण उभरते दिख रहे हैं। ऐसा इसलिए भी है कि राज्य में अनुसूचित जाति वर्ग के लिए रिजर्व 10 और आदिवासियों के लिए रिजर्व 29 सीटें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इन पर अजीत जोगी का खासा असर माना जाता है। क्या छत्तीसगढ़ का अब कर्नाटक की राह पर निकलते जा रहा है? चुनाव प्रचार थमने के बाद फिलहाल जो समीकरण नज़र आ रहे हैं, उनमें साफ है कि इस बार यहाँ चुनाव एक तरफा नहीं होने जा रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अगर त्रिशंकु विधानसभा हुई, तो उस स्थिति में क्या फिर से कर्नाटक की पटकथा छत्तीसगढ़ में भी लिखी जाएगी? इसका संकेत खुद अजीत जोगी और उनकी पत्नी रेणु जोगी से मिल चुका है। अब 90 सदस्यीय विधानसभा के लिए हो रहे चुनाव में सत्तारूढ़ बीजेपी और कांग्रेस के अलावा इस बार तीसरा गठबंधन भी मौजूद है। यह गठबंधन कांग्रेस से बाहर आई अजीत जोगी की जनता कांग्रेस और मायावती की BSP का है। बीजेपी की यह मान रही है कि इस गठबंधन का नुकसान कांग्रेस को होने जा रहा है, लेकिन अगर सीटों का समीकरण देखा जाए तो कोई गारंटी नहीं कि यह नुकसान कांग्रेस के साथ बीजेपी को भी होगा। और दरअसल राज्य में अनुसूचित जाति वर्ग के लिए रिजर्व 10 और आदिवासियों के लिए रिजर्व 29 सीटें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जिन इलाकों में सीटें हैं, उनमें अजीत जोगी का असर माना जा रहा है। अब पिछली बार बस्तर, सरगुजा जैसे आदिवासी बहुल इलाकों में अधिकांश सीटें कांग्रेस ने जीती थी, लेकिन अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व 10 में से 9 सीटों पर बीजेपी ने बाजी मारी थी। अब यही वजह है कि इस बार तीनों ही दल सरगुजा, बिलासपुर, कोरबा, अंबिकापुर जैसे इलाकों में फैली इन सीटों पर एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। बीजेपी को जहां कांग्रेस और जनता कांग्रेस के बीच वोट बंटने की उम्मीद है, तो वहीं कांग्रेस और जनता कांग्रेस को लग रहा है कि इस बार बीजेपी का सफाया होगा। दरअसल आदिवासी इलाकों में कांग्रेस मजबूत दिख रही है, तो अनुसूचित जाति वाली सीटों पर अजीत जोगी व मायावती का असर जमकर के देखने को मिल रहा है। ऐसे में अगर जनता कांग्रेस व BSP गठबंधन की अपेक्षा के अनुरूप प्रदर्शन किया, तो इस बार सत्ता की चाबी उनके हाथ भी आ सकती है, क्योंकि गठबंधन मजबूत तो है। अब अगर त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति देखने को मिलती है, जहां अजीत जोगी कहते थे कि हो सकता है कि वो अगर सत्ता में सब कुछ जायज होता है, अगर वो बीजेपी के साथ हाथ मिलाना पड़ा, तो वो बीजेपी के साथ भी हाथ मिलाने के लिए तैयार है। अब इसकी आशंका खुद बीजेपी को भी है। इसी वजह से 2 दिन पहले ही गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने खुलेआम अजीत जोगी को निमंत्रण दे डाला, और खुद जोगी ने भी इसके संकेत दिए। पर अगले ही दिन जोगी पलटी मार गए और खुलेआम शपथ ली कि वे बीजेपी का साथ नहीं देंगे। ऐसे में माना जा रहा है कि अगर कांग्रेस और जनता कांग्रेस को सरकार बनाने लायक सीटें मिली, तो वो हाथ मिला सकते हैं। हाल ही में कांग्रेस छोड़कर अपने पति
अजीत जोगी की जनता कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने उतरी रेणु जोगी भी ये मानती है कि अगर सरकार बनाने की जरूरत पड़ती है तो वे चाहेगी कि कांग्रेस के साथ सरकार बने। रेणु जोगी ने नवभारत टाइम्स से ये भी बात करते हुए कहा है कि उन्हें लगता है कि अगर सरकार बनाने के लिए किसी के साथ जाना चाहिए तो फिर कांग्रेस के साथ ही जाएं, क्योंकि रेणु जोगी जो हैं वो पहले से ही कांग्रेस से ही चुनाव लड़ती आ रही हैं और अजीत जोगी चुनाव कांग्रेस में पहले रहे हैं, उसी से सीएम बने हुए थे। अब क्योंकि उनकी और हमारी विचारधारा एक ही है, हालांकि कांग्रेस इस पर अभी कुछ बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन रायपुर में सूत्रों का मानना है कि कांग्रेस और जनता कांग्रेस फिलहाल एक दूसरे पर निशाना साधने से बच रही है। इसकी वजह भी यही है कि उन्हें लगता है कि आने वाले दिनों में दोनों को एक साथ आना पड़ सकता है। हालांकि सरकार किसके नेतृत्व में बनेगी ये सीटों की संख्या पर निर्भर करेगा, लेकिन ये बात जरूर सामने आ रही है कि आने वाले दिनों में त्रिशंकु विधानसभा कर्नाटक की जैसा हाल हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी।